नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे टेक बी देन ऑल। और दोस्तों, इससे पहले जो वीडियो में मैं आपको बोला था कि एज ए यार सुविधा का फॉर्म, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आप कैसे ऑनलाइन फिलअप कर सकते हो और फिलअप करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए लाजमी आपके पास, राइट। और ए टू जेड मैंने उस वीडियो में गाइड किया था। और उसके बाद मैंने बोला था कि अब जब जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट उतरोगे तो फिर से आपका कोविड टेस्ट होगा, राइट। तो जब आप दिल्ली एयरपोर्ट उतरोगे उसके बाद फिर से आपका कोविड टेस्ट तो होगा ही दोस्तों। तो अगर आपका वो वाला कोविड टेस्ट के लिए अगर आप फुल्ली अपॉइंटमेंट पहले से ही बुक करके अगर आप आओगे, ऑनलाइन पेमेंट कंप्लीट करके आओगे, तो इसमें क्या होगा, आपका छोटा सा यही बेनिफिट यही होगा कि आपको कैश एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई चेंजेस का झंझट आपको नहीं झेलना पड़ेगा। और अगर आपने अपॉइंटमेंट लेके आया है तो आपको जिस टाइम है उस टाइम के हिसाब से आपका कोविड टेस्ट कंप्लीट भी हो जाएगा। तो इसमें आप अपना जो टाइम है उस टाइम को आप बहुत इजीली मैनेज कर सकते हो। और आपका दिल्ली से जो भी कनेक्टिंग फ्लाइट है उसको आप बहुत जल्दी से एज ए जो भी उसका डॉक्यूमेंट क्राइटेरिया है उसको आप फिलअप करके आप अपना फ्लाइट पे जा सकते हो, राइट। तो ए टू जेड आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे और उसका रिपोर्ट कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो, ए टू जेड इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो प्लीज़ आप हमारे साथ बने रहिए। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यहाँ पर रेड कलर के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल टेक बिथान ऑल को। और उसके साथ साथ प्रेस कीजिए उस बेल आइकन को, उसमें होगा है कि मैं जब भी लूँगा नया वीडियो उस वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा आपके पास सबसे पहले दोस्तों। तो बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए, राइट। तो फिर से आपको गूगल में आना पड़ेगा दोस्तों, जी हाँ, फिर से गूगल में आना पड़ेगा। आने के बाद आप सिंपली यहाँ पर टाइप कीजिए ए आर सुविधा करके, तो सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। तो आपने रिपोर्ट तो उधर से डाउनलोड कर लिया है, ए आर सुविधा का जो 2 पेज वाला रिपोर्ट है। तब आप उसको फिर से उसके लिए आर टी पी सी आर टेस्ट को आप कैसे बुक करोगे, राइट। तो सिंपली आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हो बुक आर टी पी सी आर टेस्ट करके लिखा है, सिंपली आप यहाँ पर क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद सॉरी, आपके सामने एक पेज ओपन होकर आएगा। इस पेज को आप यहाँ पर सिंपली आप अपना नाम डाल दीजिए, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू कर रहा हूँ। आप यहाँ पर अपना जो भी नेम है उस नेम को डालिए। फिर से आपको वही मेल आपको डालना पड़ेगा बहुत ध्यान से दोस्तों, ठीक है ना। मेल को आप यहाँ पर डाल दीजिए, यहाँ पर आप अपना जो भी मोबाइल नंबर है उसको डालिए। अगर आपका इस नाम पे व्हाट्सअप है उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा जो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर ईमेल आईडी भी ज़रूरी है, मोबाइल नंबर भी ज़रूरी है, क्योंकि मोबाइल नंबर पे ही आपका रिपोर्ट आपको रिसीव होगा दोस्तों। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालिए। उसके बाद जो इंडियन सिटीजन है उसके लिए तो एज ए आधार कार्ड उसके पास है, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है एज ए पासपोर्ट नंबर से भी एज ए इस पर अप्लाई कर सकता है। और जिनके पास दोनों हैं वो आप अपने हिसाब से चूज़ कीजिए कि आपको किसके थ्रू इसको सिलेक्ट करना है, पासपोर्ट नंबर या फिर आधार नंबर। तो मैं यहाँ पर पासपोर्ट नंबर कर देता हूँ, मैं एज ए एग्जाम्पल कर रहा हूँ। तो दोस्तों, कंट्री ऑफ राइट डिपार्चर का मतलब यही है कि आप किस कंट्री से ट्रेवल करके इंडिया आ रहे हो, राइट। सपोज मान के चलिए कि आप यूनाइटेड किंगडम अरब से आ रहे हो, तो आप सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए यूनाइटेड अरब अमीरात, सॉरी, अगर आप दुबई से आ रहे हो तो यूनाइटेड अरब अब अमीरात, यहाँ पर आप जो भी कंट्री से डिपार्चर हो रहे हो, यानी कि उधर से आप आ रहे हो इंडिया, राइट। यानी कि उधर से डिपार्चर इंडिया पे अराइवल, तो इधर आपका वो वाला कंट्री सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोसेस सेम है, मैं आपको दिखाऊंगा कि उसके बाद क्या क्या फिलअप करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कीजिए दोस्तों। तो मैं यहाँ पर एज एग्जाम्पल डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किया। उसके बाद आप फिर से आप अपना फ्लाइट नंबर दे दीजिए। फ्लाइट नंबर देने के बाद आप यहाँ पर अपना एड्रेस डालिए, उसके बाद एरिया डालिए, सिटी डालिए। मैं एज ए एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पर आप अपना फुल्ली जो भी इंफॉर्मेशन है या बहुत ध्यान से आप डालिएगा। यहाँ पर कुछ भी अगर इश्यू हो रहा है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट से भी कर सकते हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेशनलिटी इंडिया है तो इंडिया, बांग्लादेश है तो बांग्लादेश, या फिर मेरे से एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा इंटरनेशनल अराइवल टू इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऐसे करके, या फिर ऑल डिपार्चर फ्रॉम इंडिया ऐसे करके। तो आप यहाँ पर फर्स्ट वाला जो है ना इंटरनेशनल अराइवल करके, आप इसको सिंपली यहाँ पर चूज़ कीजिए। सपोज मान के चलिए कि आपका फ्लाइट 9 तारीख को आने वाला है, राइट। 9 तारीख को आपका फ्लाइट 4 बजे उतरने वाला है,
4 बजे अराइवल करेगा दिल्ली में, तो आप 4 से 5 इसका आप टाइम ले लो अपॉइंटमेंट का। तो मैं अपन 9 तारीख सेलेक्ट कर लेता हूँ, 9 मार्च, और सपोज मान के चलिए कि मेरा फ्लाइट 4 बजे अराइवल होगा, तो मैं 4 AM to 5 PM ले लेता हूँ, 1 घंटे के अंदर आराम से हो जाएगा। अगर आपके साथ कोई पेरेंट या फिर वाइफ या फिर कोई बच्चा है तो उसका भी आप सिंपली यहाँ पर प्लस करके उसका भी डिटेल आप यहाँ पर डाल सकते हो, अगर नहीं है तो सिंपली इसको 1 में रहने दीजिए। हो गया, उसके बाद आप सिंपली बुक नाउ के ऊपर क्लिक कीजिए। सॉरी, यहाँ पर मैंने जेंडर सेलेक्ट नहीं किया था। अगर आप कुछ भी अगर आप सिलेक्ट नहीं करोगे, स्किप करोगे, तो आपको उस टाइप का एरर भी दिख जाएगा। पैन नंबर यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप सिंपली बुक पे जब क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज कुछ दूसरे पेज पे डाइवर्ट होकर चला जाएगा, जिधर आपको एज ए पेमेंट कंप्लीट करने के लिए बोलेगा, राइट? तो आप यहाँ पर पेमेंट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, वॉलेट, जो भी आपका पसंदीदा पेमेंट मोड है, आप उसको सिलेक्ट करके आप अपना पेमेंट कंप्लीट कीजिए, राइट? मैं तो पेमेंट कंप्लीट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने एज ए आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए या समझाने के लिए मैं आपको दिखाया। अगर आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है इसको फिलअप करने में, कुछ भी डाउट हो रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका ना कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, जो कि मैं इससे पहले वीडियो में मैं आपको बोला था। और इसका जो कोविड टेस्ट का जो दिल्ली एयरपोर्ट में होता है, आपका 24x7 होता है, राइट? इसे कभी किसी भी टाइम आपको क्लोज नहीं दिखेगा, 24x7 होता है, ठीक है ना? तो इसके आप बात कर से आप इन सिंपली इसको कॉल करके बात करके भी आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, राइट? तो जैसे ही आप दिल्ली एयरपोर्ट उतरोगे, उतरने के बाद सबसे पहले जो होगा, आपको एक छोटा सा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा कि आप किधर से आए हो, कौन सा फ्लाइट था, आपका नेम क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है, A to Z आपको फिलअप करना पड़ेगा। ये जो मैंने आपको दिखाया है, यही चीज़ आपको एक फॉर्म में फिलअप करना पड़ेगा, राइट? और जब आप उसका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, राइट, पेमेंट कंप्लीट होने के बाद कुछ आपको इस टाइप का दिखाएगा कि आपका पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपने जो मेल आईडी डाला था ना, वो वाला मेल आईडी पे आपका एक मेल आएगा। ये वाला जो मेल है, बुकिंग कंफर्म, ये वाला मेल आपको दिखाना पड़ेगा। इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो, नहीं तो मोबाइल से भी दिखा सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा एक मेल देखिए आ गया यहाँ पर, जो कि बोल रहा है कि आपका जो पेमेंट था 800 रुपीज़, ये पेमेंट आपका कंप्लीट हो गया है। अगर आप कैश पे भी पेमेंट करोगे तो आपको 800 रुपीज़ लगेगा दोस्तों। जब आप वो वाला मेल पे जब ओपन करोगे, बुकिंग कंफर्मेशन मेल पे, तो उसके सामने कुछ आपका इस टाइप का ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका लिखा है कि डेट कौन सा है, उसके बाद आपका अपॉइंटमेंट टाइम कौन सा है। आप इसी अपॉइंटमेंट के टाइम के हिसाब से आप उधर चले जाइए दोस्तों। अगर आपको कुछ भी इशू हो रहा है तो आप इस नंबर से कॉल करके भी उनसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपका नेम दिख जाएगा, यहाँ पर आपका डेट कौन सा डेट का अपॉइंटमेंट है, कितने बजे का अपॉइंटमेंट है, राइट? और आप जो भी टर्मिनल है यहाँ पर आप देख सकते हो। सॉरी, तो हो गया। उसके बाद आपका तो पेमेंट कंफर्मेशन मेल पे तो आपको पेमेंट सक्सेसफुली दिख जाएगा। दिखने के बाद जब आप उधर पहुँचोगे, वो वाला छोटा सा फॉर्म फिलअप करके जब आप एज ए पहुँच जाओगे, जो आपका ऑनलाइन पेमेंट वाला जो लाइन है, उस लाइन पे जब आप ऐसे उधर पहुंच जाओगे, पहुंचने के बाद आपका उधर से वाला फॉर्म लेगा और आपका पासपोर्ट लेगा। उसके बाद वो लोग फिर से आपको एक फॉर्म देगा, कुछ इस टाइप का आपको एक फॉर्म देगा, उसके साथ ये वाला बारकोड आपको 2 देगा। तो ये वाला फॉर्म को लेके आपको चले जाना है, जो आपका उसके बगल में ही आपका कोविड टेस्ट हो रहा है, उधर जाके आपको थोड़ा सा लाइन में रखना है दोस्तों। वहाँ पर काउंटर बहुत सारा है, अगर कोई भी एक काउंटर पे ज़्यादा आपको भीड़ दिख रहा है तो सिंपली आप उसको स्किप करके दूसरे काउंटर में चले जाओ कोविड टेस्ट के लिए, राइट? तो उधर से आपको ये वाला एक बार कोड लेगा आपसे, और ये वाला फॉर्म और बार कोड आपको पकड़ा देगा। तो उधर से आपका कोविड टेस्ट का सैंपल कलेक्ट हो गया। सैंपल कलेक्ट होने के बाद आप एज ए एग्जिट पे भी जा सकते हो, या फिर डोमेस्टिक एज ए ट्रांसफर है तो डोमेस्टिक ट्रांसफर पे जा सकते हो। अगर इंटरनेशनल ट्रांसफर, इंटरनेशनल पे जा सकते हो, वो जो भी आपका है, डोमेस्टिक ट्रांसफर हो या फिर एग्जिट आप ले सकते हैं। तो कोविड टेस्ट तो आपने करा लिया, उसके बाद आपने जो ऊपर मोबाइल नंबर डाला था, उस मोबाइल नंबर पे कुछ ही घंटों के बाद आपके मोबाइल पे कुछ इस टाइप का एक आपको मेल आएगा, सॉरी, इस टाइप का एक SMS आएगा, जिस SMS के अंदर आपको एक लिंक दिया जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप आप यूज़ करते हो तो आपका व्हाट्सएप पे भी एक मैसेज आएगा कुछ इस टाइप का, राइट? तो जो लिंक था SMS पे, वो वाला लिंक आप सिंपली ओपन करोगे तो आपको इस टाइप का ही दिखेगा, राइट? दिखने के बाद आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करके अपने जो अपॉइंटमेंट बुक करने के टाइम पे जो मोबाइल नंबर आपने वहाँ पर दिया था, वो वाला मोबाइल नंबर आप सिंपली यहाँ पर डालिए। ये जब प्रोसेस होगा तब आप
अपने घर से ही कर सकते हो, क्योंकि आपने तो कोविड टेस्ट का सैंपल दे दिया तो वो पेपर दे के आप ऐसे आ सकते हो। ये वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ कि रिपोर्ट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो और कैसे जान सकते हैं कि आपका रिपोर्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, राइट। तो सिंपली आप यूज़ OTP पे क्लिक कीजिए, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपके पास पासवर्ड तो नहीं होगा। तो यूज़ OTP अगर आप करोगे तो आपका मोबाइल पे एक आपका OTP आ जाएगा, 4 डिजिट या 5 डिजिट का। तो सिंपली आपको वही OTP यहाँ पर डालना पड़ेगा। वही OTP यहाँ पर डालने के बाद आप सिंपली यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो, राइट। और लॉगिन करने के लिए आपको सिंपली पासवर्ड डाल दीजिए, उसके बाद साइन इन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद कुछ इस टाइप का पोर्टल आपके सामने खुल के आ जाएगा। उसके बाद सिंपली आप इसको रेटिंग भी दे सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डिटेल है। तो सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, पहले वाला क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर रिपोर्ट आपको दिख जाएगा। और यहाँ पर डाउनलोड ऑल पे पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट आपका डाउनलोड हो जाएगा। आपकी आप ये काम अपने मोबाइल से भी कर सकते हो या फिर आप कंप्यूटर लैपटॉप से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कुछ हाइड कर दिया एज ए पर्सनल डिटेल की वजह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका रिजल्ट जो है नॉट डिटेक्टेड। डिटेक्ट का मतलब कि आप पॉजिटिव हो, नॉट डिटेक्ट का मतलब है कि आप नेगेटिव हो, राइट। तो ऐसे आप अपना रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। और ये आपका दोनों पेज का होता है। जो आपका अपॉइंटमेंट का जो मैंने आपको बोला कि मेल है उसका प्रिंट आउट नहीं भी निकला होगा तो भी कोई इशू वाली बात नहीं होगा, आप सिंपली मोबाइल से उसको दिखा सकते हो। तो आई होप कि वीडियो भी बहुत लंबा हो गया, लेकिन मैंने कोशिश किया जितना भी एक्सपीरियंस है अभी COVID-19 पे ट्रैवल का वो सबके सब आपके साथ शेयर करने के लिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी भी पॉइंट मैंने एज ए स्किप कर दिया या फिर आपको समझ में नहीं आया, सिंपली मेरे को कमेंट कीजिए या फिर एयर सुविधा का जो हेल्पलाइन है आप उनसे भी कॉल कीजिए। अगर आप किसी दूसरे कंट्री से तो उधर से भी कॉल कर सकते हैं, कुछ भी इशू वाली बात नहीं होगा, उनसे पूछ के आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकते हैं, राइट। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना दोस्तों। तो ऐसे ही मिलता है किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।